नमस्कार दोस्तों, सभी का फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल ज्ञान बनारस में। और मैं समझ तो वाराणसी के पानदरीबा में दोस्तों आज आपको दिखाने वाला हूँ। यहाँ पर भी काफ़ी ज़बरदस्त पंडाल बनाया जाता है हर साल। यहाँ पे देखिए अलग अलग यूनिक जो कि पंडाल बनाए जाते हैं। और इस बार थीम की बात करते हैं, इस बार यहाँ पे बनाया जा रहा है द्वारका नगरी। तो चलिए दोस्तों आपको ले चलता हूँ, पूरा पंडाल का नज़ारा दिखाता हूँ। तो वीडियो बने रहेगा, वीडियो चलो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल पर तो चैनल सब्सक्राइब करिए। चलो दोस्तों बैक करने से पूरा पंडाल का नज़ारा देखते। तो दोस्तों आप देख सकते हैं, मैं समय वाराणसी के पंदरीबा में मौजूद हूँ। और देखिए यहाँ पर वाराणसी का सबसे बड़ा पान का जो कि मंडी लगता है। और देखिए ये सामने आपका जो कि पान का मंडी है, और इसी मंडी के अंदर आपका जो कि पंडाल बनाया जाता है। और हर साल यहाँ पर ज़बरदस्त पंडाल बनाया जाता है। और पिछले साल आपका बना हुआ था यहाँ पर भूत बंगला, और उसके पहले बना था यहाँ पर जंगल सफारी, देख रहे हैं। और दोस्तों ये वाला रास्ता आपका चला जाएगा नई सड़क के लिए, और ये वाला रास्ता आपका चला जाएगा लौरा ब्रिज के लिए। तो चलिए दोस्तों लोग चलते हैं पंडाल के अंदर, और पंडाल के अंदर कितना काम पूरा हुआ है पंडाल का आपको दिखाते हैं। देखिए पंडाल का ये मेन गेट होता है, देखिए दोस्तों यहाँ पर भी देखिए आपका पूरा ये बांस का केन है यहाँ पर बनाया जा रहा है। इसके मदद से यहाँ पर पूरा जो कि गुफा टाइम में कुछ बनाया जाएगा। आप देख सकते हैं मैं इसमें पंदरीबा मंडी में हूँ, और यहाँ पे देखिए आपका देख रहे ये सब पूरा पिलर बनाया जा रहा है, देख रहे देखिए यहाँ पर पूरा पेंट कर दिया गया है पिलर को। और देखिए थर्माकोल की मदद से यहाँ पर डिजाइन बनाया जा रहा है पूरा, देख रहे। और देखिए इधर दोस्तों यहाँ पर देख रहे ये सब पूरा आया हुआ है जो कि यहाँ पर लगेगा। देखिए शेर है, देख रहे हैं पूरा एकदम द्वारका नगरी का पूरा यहाँ पर झलक देखने को मिलेगा, देख रहे हैं। इधर देखिए आपका, और यहाँ पे देखिए देख रहे कितने बेहतरीन यहाँ पर मूर्तियाँ भी आई हुई हैं। ये सब पूरा आपका द्वारका नगरी में जैसे समुद्र अंदर दबा हुआ है द्वारका नगरी ना, उसी तरह पूरा यहाँ पर बनेगा। और यहाँ पर आपका अंडर वाटर टनल भी बनाया जाएगा, देख रहे हैं। यहाँ पर देखिए ये आपका शंख है, देखिए इसको पूरा कलर कर दिया गया है, देख रहे हैं। यहाँ पर देखिए दोस्तों ये आपका पिलर है, देखिए जलपरी, देख रहे हैं जलपरी रहेगा। और दोस्तों आपको बता दूं कि यहाँ पर काफ़ी बेहतरीन जो कि लाइट लगाए जाएंगे, जिससे कि आपको पानी के अंदर का पूरा अनुभव हो, पूरा आपको लगे कि आप पानी के अंदर हैं, देख रहे हैं। ये देखिए ये सब पूरा आपका समुद्री जानवर है। और देखिए ये आपका देखिए यहाँ पर ये बनाया जा रहा है, ये महल टाइप में बना हुआ है, काफ़ी ज़बरदस्त लग रहा है दोस्तों। और इसी जगह माता रानी का जो कि प्रतिमा बैठेगा। और इधर देखिए दोस्तों इधर भी देख रहे हैं सभी पिलर को कलर कर दिया गया है, देख रहे हैं। और इधर देखिए दोस्तों कितना खूबसूरत यहाँ पर दीवार पे देखिए ये सब, देखिए ये सब घास लगाया गया, मछली लगाया गया दोस्तों। ये सब पे ना पूरा आपका लेजर लाइट और ऐसा लाइट जो लगेगा कि पूरा आपको समुद्र का फीलिंग कराएगा, एकदम जैसे लगेगा आप समुद्र के अंदर हैं, देख रहे हैं। इधर देखिए दोस्तों देखिए इस पंडाल में आपका पूरा जो कि खेल लाइट का है, लाइट यहाँ पर काफ़ी ज़बरदस्त लगेंगे, पूरा आपको जैसे लगेगा आप पानी के अंदर हैं, देख रहे हैं। यहाँ पर मछलियाँ सब तैर रही हैं, बना हुआ है। आइए देखिए पंडाल का एग्जिट गेट होता है, इधर से भीड़ को छोड़ा जाता है। और इधर देखिए दोस्तों देख रहे हैं यहाँ पर भी देखिए बनाया जा रहा है महल का हिस्सा, इधर देखिए देख रहे हैं यहाँ पर ये बड़ा सा पिलर है। और ये देखिए दोस्तों देख रहे हैं यहाँ पर आपका पोस्टर लगाया गया है द्वारका नगरी का, देख रहे इधर। और ये देखिए आपका देखिए ये सब द्वारका नगरी के महल का पूरा पार्ट बनाए गए हैं यहाँ पर। और ऊपर देखिए आपका ऊपर ये कपड़ा लगा के पूरा कवर कर दिया गया है, देख रहे। और दोस्तों इधर देखिए विष्णु भगवान, देख रहे हैं। अभी देखिए सभी प्रतिमाओं को जगह जगह पे सेट किया जाएगा,
तब जाके इसका और मजा आएगा देखने में। काफी जबरदस्त दूसरी बार यहाँ पे पंडाल बन रहा है। हर साल यहाँ पे कुछ ना कुछ अलग तरीके का यहाँ पे पंडाल बनाया जाता है, जिससे कि ये आपका चर्चे में रहता है हर साल ये पंडाल पांडरिबा का। और देखिए ये बड़ा सा आपका शार्क मछली है, देख रहे हैं। और देखिए यहाँ पे दोस्तों पूरा ये घास वाला मैट लगाया गया है, देख रहे हैं पूरा ये आपका घास वाला मैट लगाया गया है। और देखिए ये सब का प्लाई का डिजाइन है, पिलर हैं, देख रहे हैं ये सब जो कि महल का पूरा जो कि डिजाइन बनाया जाएगा। और देखिए ये पेड़ देख रहे हैं ना, काफ़ी पुराना पेड़ है ये। और इस पेड़ पर भी आपका कुछ ना कुछ जो कि डिजाइन रहेगा, देख रहे हैं दोस्तों। काफ़ी ज़बरदस्त इस बार यहाँ का पंडाल होने वाला है, तो आप ज़रूर आइएगा यहाँ का, माता का दर्शन कीजिएगा और इस पंडाल का लुक उठाइएगा। देख रहे हैं शेर तो गजब लग रहा है, देखिए देख रहे हैं दोस्तों गजब का शेर लग रहा है। अभी देखिए सभी मूर्तियाँ इधर उधर रखे हुए हैं, लेकिन जब ये पूरा सेट हो जाएगा ना, और जब यहाँ पर जो स्पेशल लाइट यहाँ पर होने वाले हैं चलने वाले हैं, तो गजब का नज़ारा होने वाला है। यहाँ पर एकदम समुद्र का फीलिंग होगा कि आप पानी के अंदर हैं। और आपको दोस्तों बता दूं कि यहाँ पर छोटा सी अंडर वाटर टनल भी बनाया जाएगा, क्योंकि इतना बड़ा बनना असंभव है, इतना बड़ा बन नहीं पाएगा क्योंकि यहाँ पर काफ़ी बड़ा जगह है। लेकिन दोस्तों छोटा सा अंडर वाटर टनल यहाँ पर बनाया जाएगा, देख रहे हैं इसी जगह माता रानी का जो कि प्रतिमा बैठेगा। और यहाँ पर भी देखिए आपका पूरा देखिए डिजाइन बनाया गया मछलियों का, यहाँ पर भी आपका पूरा लाइट लगाया जाएगा, देख रहे हैं। और देखिए यहाँ पर कुछ इलेक्ट्रिक यहाँ पर सिस्टम लगाया जाएगा, देखिए उसके लिए देखिए पूरा आया हुआ है, देख रहे हैं ना मोटर सेट है अंदर। अभी देखिए पता नहीं ये क्या है, लेकिन जब ये सेट हो जाएगा ना तो गजब का लगेगा, देख लीजिए दोस्तों। अभी इतना ही काम हुआ है, लेकिन जैसे जैसे काम बढ़ता रहेगा तैसे तैसे हम आपको यहाँ का अपडेट देता रहूँगा, देख रहे हैं। अब देखिए यहाँ पर नीचे जो पान का मंडी लगता रहा, अब देखिए आपका पान का मंडी ऊपर लग रहा है, ऊपर वाले तल्ले पर, नीचे से पूरा खाली कर दिया गया, क्योंकि अब देखिए कम समय बचा हुआ है, समय को देखते हुए यहाँ पर पूरा खाली करा के दिन रात एक करके यहाँ पर पंडाल को कंप्लीट किया जा रहा है, देख रहे हैं दोस्तों ना। दोस्तों का वीडियो कैसा लगा, वीडियो अच्छा लगा को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल पर नए तो चैनल सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक जाते जय हर हर महादेव।